भाई गुड इवनिंग एवरीवन। बढ़िया हालचाल, उत्तरायण अच्छी रही सबकी। आई होप अच्छे अच्छे पतंग उड़ाया आपने। चलो आ जाओ फिर से काम पे लग जाते हैं। सॉलिड्स की बात चल रही थी, लेक्चर नंबर 3 शुरू है। लास्ट टाइम क्या क्या किया था? लास्ट टाइम वी डेल्ट मेनली विद द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। यू नो इट वॉज सीन दैट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट, और क्योंकि तीन टाइप के स्ट्रेस हैं, तीन टाइप के स्ट्रेन हैं, तो ये कांस्टेंट भी तीन टाइप के होंगे। तो सबसे पहला था यंग्स मॉडुलस। आई एम जस्ट रीइटरेटिंग अगेन, यंग्स मॉडुलस वाज टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस वाज एफ बाय ए। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन वाज डेल्टा एल बाय एल। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बिकेम वाई इज एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। आई होप यू हैवन्ट फॉरगॉटन दिस। अच्छा, इफ तुम्हारा फोर्स, सपोज तुमने एम मास लटकाया है, तो कितना लोड होगा, कितना वेट होगा? एफ इज इक्वल टू एम जी, एंड तुम्हारे वायर का रेडियस आर है, तो द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर। देन व्हाट डज द इक्वेशन फॉर यंग्स मॉडुलस बिकम? वाई इज एम जी एल ओवर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अ वेरी वेरी लवली इक्वेशन, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर शियर मॉड्यूलस आया, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, विच वॉज कॉल्ड जी, एंड इट वॉज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। सो सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन एस। आई होप यू रिमेंबर, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया वॉज शियर स्ट्रेस, सो अगेन एफ बाय ए। एंड शियर स्ट्रेन वॉज टैन थीटा या डेल्टा एक्स बाय एल। सो दिस वॉज ऑल्सो एन इक्वेशन, सो एफ एल ओवर ए डेल्टा एक्स ऑल्सो वर्कड आउट। एंड अगर आपको इस तरह करना है, एफ बाय ए ओवर टैन थीटा, तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दिस वॉज द आइडिया। द थर्ड, ये तो चेंज इन शेप वाला हो गया, ये चेंज इन लेंथ वाला हो गया, अब चेंज इन वॉल्यूम। तो दिस इज बल्क मॉड्यूलस, एंड बल्क मॉड्यूलस एज द नेम सजेस्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन। फिर से एक बार याद दिला दूं, आउट ऑफ ऑल दी स्ट्रेसेस ओनली वॉल्यूम स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। तो दिस वॉज पी ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। एंड क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, हम नोटिफिकेशन के लिए एक माइनस का साइन यहां लगा देते हैं। सो दिस बिकम्स माइनस पी वी ओवर डेल्टा वी। चाहे यंग्स मॉडुलस हो, जी हो या बी हो, सबका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही होता है। अच्छा, एक और है कॉम्प्रेसिबिलिटी, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी वॉज डिनोटेड एज के, एंड इट वॉज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। सो दिस वॉज डेल्टा वी बाई पी वी। ऐसा यूनिट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी इज पास्कल इनवर्स। फाइनली इन सब को खत्म करने के बाद वी डेल्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच वॉज कॉल्ड पुजवाज रेशियो। आई होप आपको याद है, आप इसको इंग्लिश में पॉइजन रेशियो बुलाते थे, नाम उसका पॉइजन कतई नहीं है, पुजवाज रेशियो। पुजवाज रेशियो का आइडिया ये था कि वेन एवर यू स्ट्रेच अ वायर और एनीथिंग, उसकी लेंथ तो बढ़ती है पर साथ में उसका जो थिकनेस है वो कम होता जाता है। सो सपोज यू हैव दिस आइडिया, यू हैव दिस वायर, इट वॉज डिनोटेड एज म्यू। सो यू हैव दिस वायर एंड इट्स ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस इज आर, एंड इफ यू स्ट्रेच इट, ये लंबा तो हो जाएगा पर साथ में पतला हो जाएगा। पहले जाड़ा था, इतना लंबा था, तुमने और खींचा इसको तो ये लंबा तो हो जाएगा, साथ में थोड़ा पतला हो जाएगा। दिस चेंज इन लेंथ वॉज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड इट वॉज डेल्टा एल बाय एल। जबकि चेंज इन रेडियस वॉज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन एंड इट वॉज डेल्टा आर बाय आर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट चेंज इन डायमीटर, डजेंट मेक एनी डिफरेंस।
So longitudinal strain is delta L by L, lateral strain is delta R by R. Poiseuille's ratio was defined as lateral strain over longitudinal strain. Very simple definition. Poiseuille's ratio was defined as lateral strain over longitudinal strain. Because it is a ratio of two strains, it is unitless, dimensionless, and iska equation aata tha delta R by R upon delta L by L. But due to notation, humko yahan pe ek minus sign lagani padti thi. Because length badhta hai, radius ghatta hai. So jab ek quantity badhti hai, ghatti hai, to humko yahan pe minus sign chahiye. And as a result, we had a very lovely equation, delta R by R is minus mu delta L by L. Okay, ye equation ko yahi chhod dete hain. वैसे एक्चुअली टेक्स्टबुक में यहीं तक है, बट मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ाना चाहूंगा. ओके, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल रॉड इसी तरह का, यू नो यू कैन से लाइक अ पेन और समथिंग, ये भी एक सिलिंड्रिकल रॉड ही है. सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर. एनीबडी टेलिंग मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सच अ रॉड, वॉल्यूम of this rod. Everybody knows volume is area into length, and area is what? Pi r square l. अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको खींचता हूं लेंथ बदलता है, रेडियस भी बदलता है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम में भी चेंज होगा. मैं इस इक्वेशन को चैप्टर 2 के एरर्स के आइडिया से वो करना चाहूंगा. सो इफ चेंज इन वॉल्यूम is delta V, then you know this V will become delta V by V is pi ka to kuch nahi, R ka square hai to twice plus L ka delta L. I hope you remember this equation from long past, you know, relative error, this is a product, to relative error milega product wale mein, multiplication ya division mein relative error milta hai. तो v का रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा v by v, पाई तो कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं, r का स्क्वायर है तो 2 आगे जंप कर जाएगा, r का रिलेटिव एरर डेल्टा r by r प्लस लेंथ का रिलेटिव एरर डेल्टा l by l. वेरी लवली इक्वेशन. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, डोंट यू अग्री, डेल्टा r by r इज माइनस mu डेल्टा l by l. तो यहां पे डेल्टा r by r की जगह माइनस mu डेल्टा l by l प्लस, don't you agree, I can take delta L by L common. So what do I have? I have a very lovely relationship. How, sir? 1 minus 2 mu. A very lovely relationship. I'm writing it in blue. Whenever I write anything in blue, I expect you to jot that down in your book, in your notebook, please. Achha, I'm going to go one step further. One step further. I am going. ये actually JE NEET वगैरह के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है. Now, volume is what? A into L. तो इस volume की जगह में E into L लगाने वाला. So, equation 2 becomes delta V by A into L is delta L by L. 1 minus 2 mu. Do you agree? I can take down L out here. A ko wahan leke ja sakta hu. And I get therefore delta V is A delta L. Or delta V by delta L is A. This is equation 3. This is equation 4. So kindly put these equations down, because you know I'm going to give you an assignment. आप देख रहे हैं textbook में Poiseuille's ratio या कोई भी ऐसा चीज का change in volume वगैरह का कोई relationship नहीं है और कोई numerical भी नहीं है उसका. तो I will give you some numericals based on these ideas. So I expect you to jot these down. Shall we go on? Tell me. Okay. I'm moving. अच्छा, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. एक्चुअली शुरू तो हो ही गया,
ये पुजवाज रेशो के नाम पे मैंने दूसरे दो एक रिलेशनशिप निकाली, तो क्या है कि एक आइडिया हमको मिला कि वॉल्यूम में भी चेंज होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है पर होता जरूर है। ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू अनदर टॉपिक जिसके ऊपर फिर से कोई न्यूमेरिकल नहीं है पूरी टेक्स्ट बुक में। इट्स कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी कोई मेरे को बोलेगा सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो अपन ने वर्क एनर्जी एंड पावर में भी देखा। बिल्कुल देखा है साहब। और उसी आइडिया के ऊपर मैं चीजों को बेस कर रहा हूं। उस चैप्टर 6 के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग का आइडिया था। इफ यू रिमेंबर, स्प्रिंग है और उसको खींचोगे और छोड़ दोगे, खींचोगे तब उसमें एक नया फोर्स डेवलप होगा विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। एंड एंड जब तुम खींचोगे, व्हेन यू आर डूइंग वर्क, यू डू वर्क अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स विच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट हम यहां पे स्प्रिंग की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे नॉर्मल रॉड की बात करेंगे। मेरे पास रॉड है, मैं इसको खींचता हूं। डू यू अग्री आई हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड दिस वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रॉड इज स्टोर्ड इन द रॉड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये स्प्रिंग नहीं है तो उसका इक्वेशन भी स्प्रिंग से अलग ही होगा। स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन याद है किसी को? एब्सोल्युटली, गो ऑन। माइनस कहां से आया सर? हाफ के एक्स स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन माइनस के एक्स, ओके, एंड यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। दैट वॉज द इक्वेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग। हम कुछ इसी तरह का यहां करने वाले। लेट्स लेट्स सेट अप द क्राइटेरिया। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टू अ रॉड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, वर्क हैज टू बी डन। आई डोंट नीड टू राइट अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्सेस, वर्क हैज टू बी डन। सबको पता है अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्सेस ही होता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द रॉड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके जी, अब हमको इक्वेशन चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है जी, लेट्स कंसिडर कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। वी अप्लाई अ फोर्स एफ एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय छोटा एल, जो जिसको हम डेल्टा एल कहते थे मैंने उसको छोटा एल बोल दिया। नाउ भाई, यू रिमेंबर द इक्वेशन फॉर यंग्स मॉडुलस, वाई इज एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। भाई यहां पे डेल्टा एल कितना है? छोटा एल है ये, छोटा एल। सो हाउ मच डज वाई बिकम? एफ एल, ओके, छोटा एल को इसी तरह लिखता हूं। तो मुझे एफ चाहिए, सो हाउ मच इज एफ? वाई ए एल ओवर बड़ा एल। फोर्स मैंने फाइंड किया है जिसको मैंने यूज किया था रॉड को स्ट्रेच करने के लिए। ये फोर्स फाइंड क्यों किया? क्योंकि नाउ द वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ, एक छोटा सा डिफॉर्मेशन देता हूं डीएल, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रॉड बाय डीएल इज, डू यू नो वर्क इज फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स, यस एब्सोल्यूटली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? छोटा डीएल। तो मेरा वर्क डन का इक्वेशन क्या आया है? फोर्स कहां गया? वाई ए एल ओवर बड़ा एल इंटू डीएल। एंड मुझे अगर टोटल वर्क चाहिए तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? इंटीग्रेशन। तो आई एम गोइंग टू फाइंड टोटल वर्क बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। कैन आई टेक दिस साइड ऑफ नाउ?
दिस साइड वॉज नॉर्मल. द टोटल वर्क जो ये सब हमने उस स्प्रिंग वाले में भी किया था वही कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं. हाँ, इक्वेशन में थोड़ा सा फेर बदल आ गया है, नो डाउट. सो द टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रॉड फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल इज, बाई लवली इक्वेशन, इंटीग्रल डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल. भाई इंटीग्रल में अच्छा क्या क्या अंदर रहेगा, यू अग्री, वाई ए और एल तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे. इंटीग्रल एल डी एल फ्रॉम जीरो टू डेल्टा एल. इंटीग्रल एक्स डी एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू. सो इंटीग्रल एल डी एल विल बी हाउ मच, और भाई कहां से लेकर कहां तक, जीरो से लेकर डेल्टा एल तक. तो y a by 2l into delta l the whole square, this is your work done. This work is stored as potential energy. So ladies and gentlemen, elastic potential energy ka equation aa raha hai. I can take these two, this side of force aur ye dw ko dekh lijiyega, वैसे उसका कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी के एक नहीं दो नहीं तीन इक्वेशन निकालूंगा आपके लिए, खासम खास आपके लिए. तो सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज, ब्लू में लिखा जाएगा महाराज, ब्लू में, यू इज हाफ जी, मैं सुन रहा हूं, बोलिए. ऐसा करूं मैं, हाय 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 हाय, कर दिया जी. ओके, सो यू इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल द होल स्क्वायर. अच्छा, इसका कोई और फॉर्म भी मैं चाहता हूं. हियर नाउ डू यू रिमेंबर वाई इज एफ एल ओवर ए डेल्टा एल. तो एनीबडी कैन टेल मी, मैं वाई की जगह ये एफ एल बाई ए डेल्टा एल यहां लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सुकून तो मिलेगा ही. वाई की जगह एफ एल ओवर ए डेल्टा एल इंटू ए बाई एल, क्या आपको काटना आता है, ठीचिक 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 ठीचिक, एक डेल्टा एल भी कटेगा, ठीचिक ठीचिक. So this brings me to the most beautiful expression, एकदम नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा राज दुलारा expression है. हाँ, कहा ये बड़ा monster छाप expression है, half y a by l into delta l whole square, और कहा ये मुन्नू सा प्यारा सा expression है, half f delta l, one of the most प्यारा expression. Okay, अच्छा मेरे पास एक और भी है, can I write this equation as, now why isn't it stress upon strain, do you agree, why is stress upon strain. So u is half, ye y ki jagah stress upon strain into a by l into a, ye delta l jo hai uske do tukde kar raha hu aur ek delta l को यहां रख रहा हूं. डिड यू सी मैंने क्या किया, मैंने वाई की जगह स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लगा दिया, ये रहा ए ये रहा एल एंड ये डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल स्क्वायर. डू यू फॉलो दिस मच, ओके. अच्छा डू यू नो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन, वेरी गुड वेरी गुड, साबा स्ट्रेन हाचा अच्छा है. अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, एक और चीज कर रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल कर रहा हूं. कौन सा एल, बड़ा एल, ये रहा एल ये रहा एल. सर सर ऐसा क्यों कर रहे हो,
मैं एक और एक्सप्रेशन लाने की फिराक में हूं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, वैसे ये राइट हैंड साइड ही बहुत बढ़िया देखने लायक, बट लेफ्ट हैंड साइड में भी एक आध दो इक्वेशन आ ही जाएंगे। नाउ मैं कुछ भी लिखने से पहले आपको इन्वॉल्व करूंगा, डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन, सो यू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू, भाई ये भी स्ट्रेन ये भी स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, अरे भाई एरिया इंटू लेंथ, इजंट इट वॉल्यूम, तो यू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मैं कुछ काट नहीं रहा हूं अभी, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब मैं काटूंगा, डू यू अग्री, मैं एक स्ट्रेन काट सकता हूं, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट डू आई गेट, सो पोटेंशियल एनर्जी, ये हाफ कहां गया अपना, ये रहा ना हाफ, तुम तो हाफ को भूल ही गए यार, कमाल है स्टेशन पे ही छोड़ दिया तुमने उसको, उसको अपने साथ रखने का था। सो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्या बात है सर, बढ़िया एक्सप्रेशन। सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एंड अब अगर मैं वॉल्यूम को नीचे उतार लूं, देयरफॉर यू ओवर वॉल्यूम इजंट इट हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू राइट दिस 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 एंड दीज इक्वेशंस इन योर नोटबुक्स राइट नाउ, दो कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसके ऊपर, पर असाइनमेंट में मैं दे रहा हूं, सो ये इक्वेशंस यूज होंगे, प्लीज राइट दम। वी आर ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम जो इतना पढ़े स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस वगैरह, उसका फायदा क्या है वो पढ़ने का, व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग ऑल दैट, हाउ आर वी गोइंग टू यूज दैट इन आवर डेली लाइफ और इन अंडरस्टैंडिंग यू नो व्हाट एवर थिंग्स आर टू बी मेड। तीन बेसिक यूजेस मैं इसके आपको बताऊंगा। सबसे पहला, यू नो द रोप्स दैट आर यूज इन क्रेन्स, द सेकेंड इज वाई यू नो बीम्स एंड बीम्स विच आर यूज टू मेक ब्रिजेस आर ऑफ आई शेप, एंड फाइनली द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो ये तीनों बातें स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ रिलेटेड है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्ट्रेन, द वायर्स यूज इन क्रेन्स। Well, very practical ideas. I'm sure you know that docks पे या कहीं भी आप construction चल रहा हो, वहां पे heavy equipment उठाने के लिए cranes को use किया जाता है, and cranes की वजह से हम बड़े बड़े load एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख सकते हैं। You know the best thing, I'm sure आपने harbor पे या port पे बड़े बड़े containers देखे होंगे, उन containers का वजन करीब 10,000 किलो होता है, 10,000 किलो, करीबन 10 टन, आई एम श्योर यू नो 1 टन इज 1,000 kg, तो 10 टन का वजन होता है, 10,000 किलो का वजन होता है, उसको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे प्रस्थापित करने के लिए। तुम बोलोगे सर पावर तो क्रेन का है, हाँ भाई पावर क्रेन का है, बट वो लोड को उठाने में जो वायर यूज होते हैं वो स्टील के बनते हैं, और उनका स्ट्रेस उनका स्ट्रेन जो भी है वो देखना जरूरी होता है। सो लेट्स फाइंड आउट, सो क्रेन्स आर यूज्ड टू लिफ्ट हेवी लोड्स, एंड इट इज नेसेसरी दैट द वायर्स विच एक्चुअली लिफ्ट द लोड should not be deformed. ये सबसे important बात है कि जिन वायर से तुम लोड उठा रहे हो वो वायर लंबा नहीं हो जाना चाहिए यार है ना, नहीं तो गलती से लंबा हुआ और गलती से थोड़ा और लंबा हुआ और टूट गया तो ये लोड सर पे गिरेगा, किसी के यू नो जान माल का नुकसान हो सकता है। सो
We want that the wire should not be deformed. So, हम maximum stress decide करेंगे elastic limit तक का. Thus, the maximum stress should be the elastic limit. हम इस wire को मात्र elastic limit तक ही इस्तेमाल करेंगे, उससे आगे उसको स्ट्रेस देंगे नहीं, नहीं तो स्ट्रेन में यू नो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तो थिंग्स कैन गो आउट ऑफ हैंड. एज अ रिजल्ट हमारा मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट सेट हो गया. अब एक काम करते हैं, इक्वेशंस तो हमारे पास हैं ही, एक काम करते हैं, कंसिडर करते हैं मास 10,000 kg एंड हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की कि जो वायर मैं यूज कर रहा हूं उसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए. और सो वी नो, अब मैं डेटा ले लूंगा इसका कितना होना चाहिए मेरा यंग्स मॉड्यूलस स्टील का वगैरह जो भी है. लेट मी टेक सम डेटा एंड डेटा को यूज करके लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सच अ वायर. सो इफ यू सी हियर, मैंने 10,000 किलो का वो लिया हुआ है मास एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है माइल्ड स्टील यूज कर रहा हूं जिसका यंग यील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलास्टिक लिमिट 300 × 10⁶ है. सो लेट्स टेक मास एम एज 10 tons, 10 metric tons भी कहते हैं, 10 × 10³ kg विच इज 10⁴ kg. इलास्टिक लिमिट ऑफ माइल्ड स्टील, हम माइल्ड स्टील के वायर बनाने वाले, तो वील कॉल इट सिग्मा. सिग्मा इज हाउ मच, 300 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ वी नो सिग्मा इज एफ बाय ए एंड एफ इज व्हाट, एम जी, एंड एरिया इज, अच्छा एरिया को ए रखो, तो एरिया इज एम जी बाय सिग्मा. मास दिया हुआ है 10⁴ इंटू जी को 10 लेना है ले लो, एंड सिग्मा कितना है 3 × 10⁸. तो आई एम श्योर यू कैन डू दिस 3.33 × 10⁴ मीटर स्क्वायर. एंड अगर आपको रेडियस चाहिए कंपेयर इट विथ पाई आर स्क्वायर, कंपेयरिंग वी गेट रेडियस आर करीबन 1 cm. एंड हम 1 cm रेडियस नहीं लेंगे, हम थोड़ा यू नो मार्जिन रखेंगे, वी कीप मार्जिन, मार्जिन मतलब सेफ साइड मार्जिन, एंड टेक रेडियस एज करीबन 3 cm. तो मैं जिस वायर का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, उस वायर का रेडियस 3 cm होना चाहिए. 3 cm कितना होगा सर? अच्छा आई एम श्योर आपको पता नहीं है, बता देता हूं, घर पे जाके स्केल लेके यूज कर सकते हो. ये जो मेरा मार्कर है उसका रेडियस करीबन 2 cm के आसपास का है, मतलब डायमीटर 2 cm के आसपास का है. जस्ट इमेजिन दैट, मतलब इसका रेडियस 1 cm है, 3 cm तक का तो इतना जाड़ा हो जाएगा. अब इतना जाड़ा क्या ये वायर बोलू या रॉड बोलू, इतना जाड़ा, ये तो जाड़ा डंडा है. 3 cm रेडियस का जाड़ा डंडा मैं यूज करूंगा, विल इट गिव मी, हां मेरा लोड तो उठ जाएगा, बट विल दैट डंडा गिव मी फ्लेक्सिबिलिटी? नो. एक जगह से दूसरी जगह उठाने में चौ ये कभी बटक जाएगा, अंदाजा नहीं बैठेगा तुमको. तो अपने तो मुश्किल में पड़ गए कि इतना 3 cm का जाड़ा डंडा कैसे यूज करूं मैं. इसका भी एक तरीका है, 3 cm का जाड़ा डंडा मत लो, पर छोटे छोटे बहुत सारे वायर ले लो और उनको साथ में, लड़कियां कैसे चोटी बनाती है, मेरे को तो नहीं आता चोटी बनाना, पर लड़कियां कैसे चोटी बनाती है, वो अपने बाल के 3 टुकड़े करती है, फिर एक में दूसरा, दूसरे में पहला, और न जाने क्या क्या, फर्स्ट क्लास, एकदम साइंटिफिक तरीका ये. भाई मैं लड़कियों से पूछना चाहूंगा, आप लोग चोटी क्यों बनाते हो, क्या फायदा है चोटी बनाने का? वो तो सबसे ऑब्वियस बात है कि बाल नहीं उड़ते, बट डजंट इट गिव स्ट्रेंथ टू द हेयर, यू नो आप
आप चोटी को देखोगे, चोटी इज वेरी यू नो ड्यूरेबल, एकदम ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ है काफी उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि तुम अगर बहुत सारे छोटे छोटे वायर लो और उसको चोटी की तरह बांध दो तो तुमको 3 सेंटीमीटर की थिकनेस भी मिल गई और वायर है तो तुमको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। तो ये करके तुमने वायरों की चोटी बना दी, 3 सेंटीमीटर तक का रेडियस बना दिया, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और स्ट्रेंथ भी है। सो वी यूज अ नंबर ऑफ वायर्स। अच्छा पहले इतना लिखना पड़ेगा, दिस साइज ऑफ वायर इज नियरली अ रॉड विच विल नॉट बी फ्लेक्सिबल, दस इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल रॉड वी टेक अ नंबर ऑफ स्मॉलर वायर, स्मॉलर रेडियस वायर्स एंड ब्रेड देम टुगेदर। ब्रेड मतलब चोटी बनाना, इंग्लिश में चोटी बनाने को ब्रेड कहते हैं, एंड ब्रेड देम टुगेदर। दिस गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू आर क्रेन, एंड आराम से तुम चीजों को उठाकर फ्लेक्सिबली मूव करवा सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वॉज द यूज ऑफ क्रेन्स, यूज ऑफ वायर्स इन क्रेन्स, जिससे एक जगह से दूसरी जगह लोड पहुंचाया जा सकता है। कोई शक इसमें? एनी क्वेश्चंस? अरे सर साथ में रोप कर देंगे अरे सर। तूने तूने रोप देखी है कभी? रोप यस सर। तो वो रोप को जो जाड़ी रस्सी होती है वो एक रस्सी नहीं होती, बहुत सारे छोटे छोटे रस्सियां होती हैं और उसको गूंथ के, यू नो यू अंडरस्टैंड गूंथना, तो गूंथ करके वो पूरा एक रस्सा बनाया जाता है जो बड़ी बड़ी चीजों को उठाने को या खींचने के काम आता है, सर बराबर? फ्लेक्सिबल ही होता है। वो है तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से कि तू एक जाड़ा रस्सा ले, जाड़ा रॉड ले, इससे अच्छा छोटे छोटे पतले पतले बहुत सारे रॉड ले तो एक साथ गूंथ के तेरे को रॉड्स वायर्स है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी और तेरा काम भी हो जाएगा। फेयर इनफ, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा दूसरा, अब कंस्ट्रक्शन में यू नो भार उठाता कौन है? अब ये बिल्डिंग है या कोई ब्रिज है, भार उठाता कौन है, लोड उठाता कौन है? बीम ना, बीम। यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अ बीम? कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज बनाने के लिए तुमको सबसे पहले चीज की जरूरत होती है बीम, क्योंकि लोड बेयर वही करेगा। सो नंबर टू, बीम्स इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। अब बीम को कैसे एडजस्ट करें, क्या करें, उसका बात यहां किया जाता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द लोड इज शेयर्ड, द लोड इज लिफ्टेड इन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस बाय यूजिंग बीम्स। सर बीम कैसी होती है, अब कोई पूछ लेगा, सर बीम कैसी होती है? बीम जैसी होती है, यह है तेरी बीम। बिल्डिंग पे यू नो जो तुम चीजें कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो चीजों का भार वो बीम उठाएगा, ब्रिज पे ट्रैफिक जाएगा उसका भार बीम उठाएगा, तो लोड उठाने का काम ये बीम करता है। दिस इज अ बीम, रेक्टेंगुलर बीम ऑफ लेंथ एल, डेप्थ डी एंड ब्रेथ, ये ब्रेथ अच्छा बना दूं, ब्रेथ बी। आई एम श्योर यू नो जब भी कोई ब्रिज पे या उस पे ट्रैफिक जाएगा तो कोई भी चीज का वेट कहां पड़ेगा, एट द सेंटर, बिल्कुल। सो ये रहा उसका वेट, द वेट एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बीम।
the weight acts on the center of mass of the beam. And due to this weight, you know, अगर ये वेट कम है तो ठीक है, पर ये ज्यादा है ना, तो ये जो बीम ऐसी है ना, वो धीरे धीरे बीच में से ऐसी बेंड होगी, तो बीम का बेंडिंग तुमको नजर आएगा। सर कैसा नजर आएगा जरा बता दो। ओके, ये रहा तुम्हारा बेंडिंग। डू यू सी, ये बीम बेंड हो रहा है। ओके, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है जो मैंने बनाया, तो दिस इज कॉल्ड बेंडिंग। तो जो पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डेल्टा। दिस वेट एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बीम ड्यू टू विच द बीम बेंड्स फ्रॉम द मिडल। द बेंडिंग ऑफ द बीम, इसका एक इक्वेशन भी है, यू डोंट नीड टू वरी कहां से आया। डेल्टा इज डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 4BD³y। दिस इक्वेशन हैज बीन गिवन। तुमको बेंडिंग कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? कम तेरे को बेंडिंग ज्यादा चाहिए। तू ऐसा जाना चाहता है ब्रिज पे और गलती से वहां पहुंचा और बीम टूट गया तो अबे तेरा क्या होगा, वो तो तू सोच। हमको बेंडिंग कम चाहिए, ओके? और अगर बेंडिंग कम चाहिए तो क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, क्या चेंज कर सकते हो? वाई ज्यादा करना पड़ेगा बेटा, तुमको डेल्टा कम करना है। टू गेट लेस बेंडिंग वाई शुड बी मेड मोर। वो तो ठीक है, चलो मैं मटेरियल चेंज कर दूं। उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? ब्रेथ बढ़ा, ब्रेथ को बढ़ा दूं। पर ब्रेथ को बढ़ा दूं, इससे अच्छा डेप्थ को बढ़ा दूं तो? क्योंकि ब्रेथ, क्योंकि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू बी रेस टू वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। तो तुम d छोड़ा सा भी बढ़ाओगे ना तो d क्यूब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो वाई शुड बी मोर। ऑल्सो ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ d, डेल्टा विल बी क्वाइट लेस। वाह अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, आपको अंदाजा आ रहा है डेप्थ को बढ़ाना मतलब बीम को ऐसा लंबा करते जाना, ऐसा ये डेप्थ है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, बराबर। तो बीम को बड़ा करते जाओ, पर इसमें भी एक लोचा है। ऑन मेकिंग डी लार्ज द बीम विल बकल। सर व्हाट इज बकल? हमने तो बेल्ट में बकल सुना था, ये बकल क्या होता है? अच्छा एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल से हमेशा हर चीज समझ में आ जाती है। ये मैंने ये डी को बड़ा किया, ये तुम्हारा बी है और ये डी है। मैं डी को काफी बढ़ाता गया। आपने कभी 100 किलो का यू नो लोड उठाया या 50 किलो भी, 50 किलो लोड उठाया? अचानक अगर तुम्हारे सर पे कोई 50 किलो का लोड रख दे क्या होगा? डोंट यू अग्री? आपके नीज, यू नो ये तुम खड़े हो, तुम्हारे पे लोड आया, पंग, ये तुम्हारे नीज है, तुम्हारे नी ऐसे हो जाएंगे, पंग। दिस इज यू, दिस इज यू, यू आर स्टैंडिंग, तुम्हारे पे लोड आया और जैसे लोड आया पिंग, तुम्हारे पैर मुड़ जाएंगे, ये तुम्हारे पैर है और पैर पड़ांग करके मुड़ जाएंगे। इन शॉर्ट ये तुम्हारा बीम कैसा हो जाएगा पता? पोइंग। इसको कहते हैं, ये मुड़ जाएगा ऐसे, इसको कहते हैं बकलिंग। सॉरी
अब ये बेंडिंग कम करते करते ये नया लफड़ा आ गया बकलिंग का, मतलब मेरे को बेंडिंग भी कम करवाना है, बकलिंग से भी बचना है, तो मेरे को एक शेप सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या शेप रखूं जिससे बेंडिंग भी कम हो और बकलिंग से भी बच पाऊं। तो मुझे पता चला है कि इस तरह का शेप अगर मैं लूं, ये कौन सा शेप है पीके? क्रॉस सेक्शनल शेप। इस तरह का अगर बीम का शेप रखूं तो इससे फायदे दो होंगे, मेरा डेप्थ बड़ा है तो बेंडिंग कम होगा, एंड लोड बेयरिंग फेस जो है वो बड़ा होने से बकलिंग पड़ंग ये रहता पड़ंग ऐसा नहीं हो जाएगा। सो ब्रेथ डेप्थ बड़ा है प्रिवेंटिंग बेंडिंग, एंड फेस बड़ा है प्रिवेंटिंग बकलिंग। दस कोई भी बीम देखो, आपने कभी रेलवे के ट्रैक देखे? रेलवे के ट्रैक इसी तरह के होते हैं, बीच में इतना पतला होता है, ऊपर लोड बेयरिंग एरिया जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। आपने किसी कभी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होते हुए देखा? देखा है सर। देखा, आपने कभी ये नोटिस किया है कि वेट लिफ्टर जो है वो हाथ ऐसे रख के उठाता है, ऐसे बरोबर, ऐसे रख के नहीं उठाता, क्योंकि जितना तुम हाथ फैला दोगे ना उतना लोड बेयरिंग बढ़ जाएगा आपका, आप ज्यादा लोड उठा सकते हो। तो दिस फेस बड़ा रखने से लोड काफी उठा पाओगे। सो द लार्ज डेप्थ, लार्ज डी विल प्रिवेंट बेंडिंग, एंड लार्ज फेस या लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्ज एरिया ऑफ फेस गिव्स मोर लोड बेरिंग पावर प्रिवेंटिंग बकलिंग, बराबर। सो लंबा डेप्थ जो है उससे बेंडिंग बच पाएगा, और लंबा मुंह जो है उससे, बड़ा मुंह जो है उससे लोड बेरिंग बढ़ेगा, बकलिंग नहीं होगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बीम्स विच आर यूज इन बिल्डिंग buildings and bridges. All right, that is why they are of I shape. This is the prime reason. Have a look at it. Okay, this is a very practical idea. Ever seen a mountain or a hill? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's सबने देखा कुछ ऐसा ऐसा shape का होता है। इतना ही नहीं, कभी आपने कभी कोई construction site पे कोई ट्रक आता है, डंपर आता है सैंड भर के, वो जब सैंड को गिराता है तो वो सैंड किस तरह कलेक्ट हो जाती है, आपने कभी देखा? क्या इसी तरह के माउंड में कलेक्ट हो जाती है, ऐसा पिरामिडल शेप में? आई एम श्योर आप लोग बीच पे भी गए हैं एंड सैंड कैसल्स भी बनाए हैं। सैंड कैसल्स तुम अगर बनाओ तो उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। तो क्यों क्यों ऐसा सर, मुझे सिलिंड्रिकल सैंड कैसल बनाना है, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि डंपर में से जो रेती गिरे वो क्यूबिकल शेप में गिरे, ऐसा हो सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल मेरे माइंड में है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता यार, क्यों? क्यों? प्यार मोहब्बत से समझाएंगे, ऐसे रह जाओ तो रह जाएंगे, नहीं सर, लेकिन स्टिक थोड़ी हो जाएंगे में। नहीं, हमको स्टिक की बात ही नहीं करनी है, हमको तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे उसमें से गिरा तो वैसे उसी शेप में गिरे, ऐसे माउंड में क्यों हो जाना है भाई तेरे को, ऐसा पिरामिडल शेप क्यों हो जाना है भाई तेरे को, बात में बात है ना? क्यों यही शेप, क्यों कोई और शेप नहीं? तो ये बात सोचते सोचते मैं जब आगे बढ़ा, मैंने देखा माउंटेन्स का भी ऐसा पिरामिडल शेप ही होता है। सो आई स्टार्टेड टू थिंक
कि वाई शुड यू नो माउंटेन्स या सैंड एंड ऑल हैव सच टिपिकल स्ट्रक्चर्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे एक्सपीरियंस, यू नो ये माउंटेन रॉक से बना है, जैसे तुम कह रही हो सैंड पार्टिकल से बना है. तो ये जो रॉक से बना है, तुम बनाते गए बनाते गए बनाते गए, बट आप ये भूल जाते हो कि दीज विल नॉट एक्सपीरियंस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस, बट दे विल एक्सपीरियंस शियर स्ट्रेस. इन शॉर्ट, जैसे तुम ऊपर जाते जाते हो ना, इसके लुढ़कने का चांस और बढ़ता जाता है. तो साइड में से ये लुढ़कते जाने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है. एज अ रिजल्ट तुम्हारा जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, इट बिकम्स थिनर एट द टॉप. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इज हियर. सो माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सैंड. माउंटेन्स are made of rocks and sand. Such a mountain, consider a mountain of height h. The rocks will experience a shear stress on the sides of the mountain. अच्छा, हाउ मच इज द शियर स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस एवरीबडी नोज इज फोर्स अपॉन एरिया. भाई अगर माउंटेन का मास m है तो व्हाट इज द फोर्स? mg. एंड मास इज व्हाट? इजंट इट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? बट वॉल्यूम v ऑफ द माउंटेन इज एरिया इनटू हाइट h. सो what does my shear stress become? Rho hg over a, which gives me shear stress is h rho g. Barabar. Now sabse important baat for rocks. Sir. G. Sir, pichli baar humne pressure ka bhi yahi question bola tha to sir. नहीं, नहीं, प्रेशर की बात ही अलग हुई है और ये शियर स्ट्रेस का ये इक्वेशन आया, ये तो अपने आप में आया है, खुद से आया है. भले दोनों का इक्वेशन सेम आया है, ये कोइंसिडेंस है, पर प्रेशर को यहां मत लिया, क्योंकि प्रेशर का डेफिनेशन ही अलग है. फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहां पे तो शियर है, ये तो सरफेस चेंजिंग है, ये तो है ना, शेप चेंजिंग की बात हो रही है. डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस नाउ? ओके, रॉक्स का आपको पता है, रॉक्स का स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना होता है? 30 × 10⁷ मैक्सिमम स्ट्रेस, 30 × 10⁷ पास्कल. डेंसिटी आपको शायद पता नहीं होगा, रॉक्स की डेंसिटी 3 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब है. तो लेट मी पुट बोथ दीज थिंग्स हियर. तो 30 × 10⁷ इज एच इंटू रो 3 × 10³ एंड जी इज 10. तो व्हाट डज माय एच बिकम? ये 10 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, तो 10⁴ मीटर, 10⁴ मीटर, 10,000 meter. Do you see this? That is the maximum height of any mountain which is made up of rocks. Any mountain cannot be more than 10,000 meter. Anybody knows the tallest mountain in the world, the highest mountain in the world? Everybody knows that. How much is the height of Mount Everest? 8848 meter. Isn't it less than the limit 10,000 meter? Yes, sir. So, इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में,
जो भी माउंटेन रॉक से बना है उसकी हाइट 10,000 मीटर से ऊपर हो सकती नहीं है ड्यू टू द शियर स्ट्रेस दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉक्स. ऑलराइट, सो द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी माउंटेन इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी मोर देन 10,000 मीटर. फेयर इनफ. एंड वही है, तुम ये जो डंपर में से सैंड गिराते हो या तुम सैंड कैसल बनाते हो, सब ऐसे होते हैं. इट इज ऑल ड्यू टू शियर स्ट्रेस. जो साइड्स में से यू नो शियर स्ट्रेस लगता है जिसकी वजह से चीजें नीचे गिरती जाती है, दैट इज वॉट प्रिवेंट्स थिंग्स फ्रॉम बींग वर्टिकली अप लाइक दिस. इसलिए चीजों को ऐसे ही जाना पड़ता. ओके, सो दिस इज द आइडिया. लेट्स गेट गोइंग. न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ. चलो, चैप्टर खत्म हो गया ना भाई. हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल 9.6, फिर करेंगे 9.8, 9.9 एंड 9.12. तो पहले 9.6. अच्छा, इस माउंटेन वाले में किसी को कोई शक? नो शक इन माउंटेन. पर किसी और प्लैनेट पे रॉक्स की डेंसिटी भी क्या है, वो भी एक बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती? कोई और प्लैनेट पे, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है और ये जो पत्थर पाए जा रहे हैं वो सिर्फ अपने प्लैनेट पे पाए जा रहे हैं, कोई और प्लैनेट पे शायद कोई और टाइप के रॉक्स मिल रहे हो, है ना? तो अपने को तपास करनी पड़ेगी. तभी तो जब मून पे गए 1969 में, तब वहां से काफी सारे मून रॉक्स ले आए कि पता चले कि भाई उन रॉक्स की डेंसिटी, वो सॉइल की डेंसिटी क्या हमारे सॉइल से मेल खाती है या कुछ और ही है. अभी मार्स पे जाना बाकी है. हाँ बोलो. यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो उस रॉक का मास फाइंड किया जाता है, उसका वॉल्यूम फाइंड किया जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी मिल जाए. सिंपल है ना? कोई भी चीज की डेंसिटी इस तरह फाइंड की जा सकती है. ऑलराइट, ओके भाई, न्यूमेरिकल 9.6, लेट अस गो. द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब, ये क्यूब है, कितना साइड है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो इट्स ए 10 by 10 by 10 क्यूब. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल. अच्छा, ये एक वर्टिकल वॉल है और यहां पे क्यूब का एक फेस फिट किया हुआ है. अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश में हूं मैं. ओके, मस्त, ये इधर चिपकाया है. ओके, दिस इज 10 by 10 by 10. ओके, वन फेस इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वॉल. मास ऑफ 100 kg, 100 किलो का मास क्या किया है? लटकाया है, लटकाया है, इधर से लटकाया है. तो वेट कितना होगा? mg. ओके, द शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस को क्या कहते थे? जी, इज 25 गीगा पास्कल. भाई जी जी कट मत कर देना. गीगा मतलब 10 raised to 9. क्या चाहिए तुमको? व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस? नाउ द क्वेश्चन एज इट सजेस्ट्स, अब तुमने यहां से मास लटकाया है तो डोंट यू अग्री थोड़ा सा ये बेंड ऐसा हो जाएगा? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ये ऐसा बेंड हो जाएगा थोड़ा सा. इसको कहेंगे हम डेल्टा एक्स. ओके, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द आइडिया जो हम ये कहते थे, ये तुम्हारा एक शेप है, इसको ऐसा फोर्स मारा तो ये ऐसा हो जाएगा, हा? और ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स, ये है तुम्हारा एल. तो ये इसको क्योंकि वेट इस तरह लगाया है तो ये शुभ ऐसा हो रहा है. ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है और ये तुम्हारा एल. सिंपल, नो प्रॉब्लम्स. ओके, एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस कि क्या किया आपने? ओके,
तो अब सबसे पहली बात, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का इक्वेशन याद है? नहीं, यस सर नहीं, मुझे इक्वेशन चाहिए। सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन एस, सिग्मा एस इज एफ बाय ए एंड एप्सिलॉन एस इज डेल्टा एक्स बाय एल, सो दिस इज एफ एल बाय ए डेल्टा एक्स। डू यू अग्री द एरिया ऑफ अ फेस इज एल स्क्वेयर? बट एरिया ऑफ अ फेस ए इज एल स्क्वेयर। बिफोर आई स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग, सो दिस कैन गो अवे। सो एफ, ए एफ की जगह मैं एम जी डाल दू, ये एफ कह देता हूं। सो एम जी बाय एल डेल्टा एक्स, एंड आई वॉन्ट डेल्टा एक्स, एम जी बाय एल इंटू जी। आई थिंक आई एम डन। मास कितना है? 100 किलो। जी को क्या यूज करेंगे? 9.8। लेंथ 10 सेंटीमीटर, दैट्स 0.1 मीटर, 10 इज टू माइनस 1। जी इज 25 इंटू 10 रेज टू 9। आई थिंक दिस इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ इजी पीजी जैपन इजी। माइनस 1 प्लस 9 8, 8 को ऊपर चढ़ा देंगे। 100 बाई 25 इज 4, 4 इंटू 9.8 39.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 मीटर, और रादर 3.96 into 10 raised to minus 7 meter. Is someone checking the answer? Is it agreeable? इसको करीबन 4 भी लिया जा सकता, वही किया पता नहीं। हाँ करीबन करीबन, doesn't matter. This was 9.6. I am looking at 9.8. अच्छा, any questions here? No? We are going on to 9.8. You may write down the data, please. 9.8 का data क्या है बेटा? And हमेशा याद रखना, equation एकदम settle हो जाए, series substitution चालू करना, नहीं तो हालत खराब हो जानी है। अच्छा, 9.8, a piece of copper having a rectangular cross section, मतलब area दिया हुआ है, 15.2 mm into 19.1 mm is pulled in with a tension of 44,500 newton. ये force है, producing only elastic deformation. Calculate resulting strain. बढ़िया ये। Now सबसे पहले we know. अच्छा, आपको copper का Young's modulus याद है? वेरी गुड, यन्ना पास्कला। नाउ वी नो यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। मुझे तो स्ट्रेन ही फाइंड करने हो का है। ओके, तो एप्सिलॉन इज एफ बाय ए वाई, एफ इज व्हाट? टेंशन टी अपॉन ए वाई। आई थिंक वी कैन मूव माउंटेन्स। अच्छा, ये एम एम और ये एम एम, 10^-3, 10^-3, कैन आई राइट एस 10^-6? एनीबडी कैन मल्टीप्लाई 15.2 एंड 19.1? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में कर लेंगे। 15.2 इंटू 19.1, डोंट डू इट, इंटू वाई की जगह 1.1 इंटू 10^-11। ओके लवली, 1, 2, 3, 4, या तो 4,500 रखना है तो भी रख सकते हो। माइनस 6 प्लस 11 इज 5, 5 ऊपर चढ़ जाएगा तो 10^-5। रिमेंबर स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा। एनीबडी डूइंग दिस कैलकुलेशन? 44,500 डिवाइड बाय 15.2 डिवाइड बाय 19.1 डिवाइड बाय 1.1, 139.34। So 139.34, that's 140 into 10^-5. Do they want it in terms of percentage or what? So epsilon is 1.4 into 10^-3.
Do they want it in terms of percentage? In terms of percentage, multiply by 100 कर लीजिए. माय गॉड, सो एप्सिलॉन इज 0.14%. इज दैट द टाइप ऑफ आंसर दे वांट? वो गलत है शायद, वो गलत है. पीछे का आंसर गलत हो सकता है, पीछे के काफी आंसर गलत होता है. आपके सामने ही सारा चीज किया हुआ है तो यू कैन चेक इट आउट. 9.8 का 0.127 वो गलत है, 0.14% हमारा आंसर सही है. ओके, बिकॉज देर इज नथिंग एल्स, कोई और ऑप्शन ही नहीं है दूसरा. आपने सारा कैलकुलेशन आपके सामने ही देखा हुआ है तो देर इज, ये भी न्यूटन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है. बरोबर 15.2, 19.1 बरोबर, रिजल्टिंग स्ट्रेन आ गया. ओके, टेक दिस अप, आगे बढ़ते हैं. आई एम डूइंग 9.9, 9.9 डेटा देख लो क्या कह रहा है. मैंने नोट्स में इसको सॉल्व भी किया होगा, यू कैन हैव अ लुक 9.8 को, तो आपको यकीन हो जाएगा सही क्या है. स्टील केबल, स्टील आया है बहुत टाइम बाद. रेडियस 1.5 सेंटी, दैट्स 1.5 इंटू 10^-2 मीटर. सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्की एरिया. मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा इज नॉट टू एक्सीड 10^8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट द केबल कैन सपोर्ट? डू दे वांट द आइडिया ऑफ लोड एज केजी या व्हाट? 9.9 फोर्स न्यूटन में ही चाहिए, नो प्रॉब्लम्स. भाई स्टील का यंग्स मॉडुलस, ऑलराइट, फॉर स्टील यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ए, पर यंग्स मॉडुलस की जरूरत ही नहीं है महाराज, ये तो जस्ट बतिया लिए. वी नो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा इज एफ बाय ए विच इज एफ ओवर पाई आर स्क्वायर. ओके जी, तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. बच्चों ऐसा समय जी, सिग्मा 10^8 इंटू 3.14 रेडियस 1.5 इंटू 10^-2 का स्क्वायर. चलो जी चलो, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 10^-4, 3.14 इंटू 2.25 करीबन 7 के आसपास, करीबन 7 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग है. एंड 8 − 4 सही है जी, कोई दिक्कत? ओके, बढ़िया बढ़िया समय. अब मैं करने जा रहा हूं 9.9 के बाद मैं 16 करने जा रहा हूं, 9.16, क्योंकि इतने में हो जाएगा. 9.16, स्टे विथ मी. ओके, हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वॉटर बी चेंज? यू नो वॉल्यूम इज 1 लीटर, बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%. हाँ, डेल्टा वी बाय वी इज 0.1%. भाई जब भी आपको कंप्रेशन या चेंज इन लेंथ परसेंटेज में दिया हो, दैट विल बी डेल्टा वी बाय वी या डेल्टा एल बाय एल. एंड परसेंटेज से इसको रिहा करो, 0.1/100 कितना होता है जी? 0.1/100 10^-3. ओके, ए डू यू नो द बल्क मॉड्यूलस फॉर वाटर? आई थिंक इट्स 2.2, यू कैन चेक दैट. बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर आई थिंक इट इज 2.2 × 10^9 पास्कल. बल्क मॉड्यूलस के लिस्ट में दिया हुआ है. ओके, नाउ वी नो बल्क मॉड्यूलस बी इज माइनस पी ओवर डेल्टा वी बाई वी. ओके, तो मुझे पी चाहिए, ये माइनस तो ऐसे ही है. क्या बात है, एकदम फर्स्ट क्लास. 2.2 × 10^9 इंटू डेल्टा वी बाई वी कितना है? 10^-3. इज इन दिस 2.2 × 10^6 पास्कल? कैन एनी वन चेक फॉर मी?
Is that the answer? 2.2 into 10 raised to 6 Pascal? Oh yes sir, absolutely. एकदम मस्त फॉर्मूला, मस्त एप्लीकेशन. उठा लो, मैं करने जा रहा हूं 9.12. ओके, वी आर ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 12. न्यूमेरिकल नंबर 9.12 क्या कहता है ये? कंप्यूट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर. वैसे हमको पता ही है बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर क्या, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर फाइंड आउट करो. ओके, क्या डेटा दिया हुआ है भाई? इनिशियल वॉल्यूम वी वन कितना है? 100 लीटर. एंड फाइनल वॉल्यूम वी टू, फाइनल वॉल्यूम तो पिछवाड़े में 100.5 लीटर. प्रेशर इंक्रीज कितना है? 100 एटमोस्फियर. नाउ उन्होंने बाजू में दिया 1 एटमोस्फियर इज 1.013 इंटू 10 रेज टू 5. सो दिस इज 100 इंटू 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. तो 1.013 इंटू 10 रेज टू 7 पास्कल. टक टक टक, फाइंड द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, कंपेयर दैट विथ एयर. ओके, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले तो तुमको पता है बल्क मॉड्यूलस इज माइनस पी ओवर डेल्टा वी बाई वी. तो सबसे पहले तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस दैट्स वी टू माइनस वी वन. हाउ मच विल बी वी टू माइनस वी वन? 100.5 माइनस 100. एंड नाउ तुम सोचोगे सर लीटर को कन्वर्ट करना है वगैरह? नहीं करना यार, क्योंकि डेल्टा वी भी लीटर में है, ओरिजिनल वॉल्यूम भी लीटर में, सो नो इश्यूज एट ऑल. नाउ डेल्टा वी बाई वी इज एक्चुअली डेल्टा वी बाई वी वन, ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी वन. सो दिस इज 0.5 by 100. ऐसा ही लगा दूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. वी नो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वॉटर बी डब्ल्यू इज माइनस पी ओवर डेल्टा वी बाई वी. माइनस तो सिर्फ एक सिग्निफिकेशन के लिए है, बाकी कोई काम नहीं है उसका. प्रेशर कहा गयो 1.013 इंटू 10 रेज टू 7 ओवर डेल्टा वी 0.5 by 100. ये 100 यहां से ऊपर चढ़ जाएगा, 7 और 2 9, 1.013 by 0.5 दैट्स 1.013 इंटू 2, तो 2.026 इंटू 10 रेज टू 9 पास्कल. चेक दैट. अच्छा, उन्होंने मुझसे एयर के साथ कंपेयर करने को कहा है. फॉर एयर भाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर इज 1 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. ओहो, वाटर का 2 इंटू 10 रेज टू 9 पास्कल, एयर का 1 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल. क्या बात कर रहे हो सर? तो वाटर का इतना ज्यादा है, एयर का इतना कम है, ऐसा क्यों भाई? वाटर का, वाटर इज अ लिक्विड, एयर इज अ गैस. गैसेस आर, उनके गैसेस के इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस काफी ज्यादा होते हैं. एज अ रिजल्ट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर विल बी क्वाइट लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड. दिस इज सो. सो वी सी बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर ग्रेटर देन बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर सिंस एयर इज अ गैस एंड गैसेस आर मोर कॉम्प्रेसिबल. जी सर, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एयर का एयर वाटर से कम है, तो एयर ज्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई करेगा. अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड. बल्क मॉड्यूलस इजंट इट पी ओवर डेल्टा वी बाई वी? यस सर. सो बल्क मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई वी? यस सर. जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा उसका डेल्टा वी बाई वी कम. वाटर का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है अर्थात उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसका कंप्रेस होने की ताकत कम है. वाटर की कंप्रेस होने की ताकत. जी, एयर का बल्क मॉड्यूलस कम है तो उसका डेल्टा वी बाई वी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा कंप्रेस हो पाएगा क्योंकि गैस है. यस
गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज्यादा होते हैं ना, तो तू गैसेस को और काफी कंप्रेस कर सकता है. सो डेल्टा वी बाई वी एयर का काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए उसका बल्क मॉड्यूलस कम है. Yes, क्या मेरी बात में दम है? सो मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स. सो बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाई वी, जिसका बी ज्यादा उसका डेल्टा वी बाई वी कम. ओके, दैट इज द आइडिया. आई एम गोइंग एंड डूइंग नंबर 17. आई विश टू डू नंबर 17 एंड आई विश टू डू नंबर 20. काइंडली हेल्प मी. आई थिंक दीज विल बी द लास्ट फॉर द डे. लेट्स सी इफ यू कैन गेट दीज ऑन द रोड नाउ. 17 नंबर में मस्त डायग्राम भी दिया है, और वो डायग्राम मस्त है, आपको अंदाजा बैठेगा. वैसे इतना बड़ा डायग्राम है, बात कुछ ज्यादा है नहीं. कहना क्या चाह रहे हैं, एनविल्स आर मेड अप ऑफ सिंगल क्रिस्टल्स ऑफ डायमंड विद द शेप एज शोन, पिरामिडल शेप है. इन्वेस्टिगेट बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स अंडर वेरी हाई प्रेशर्स. फ्लैट फेसेस एट द नैरो एंड ऑफ द एनविल हैव डायमीटर 0.5 mm. तो इसका मतलब रेडियस इज 0.25 mm, दैट्स 0.25 × 10⁻³ meter. एंड वाइड एंड्स आर सब्जेक्ट टू अ कंप्रेशनल फोर्स ऑफ 50,000 newton. व्हाट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल? स्टूपिड क्वेश्चन. आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. So this is force, area is pi r square. Okay, sir, और क्या है? और क्या बताऊं तुझे मैं? Pi 3.14 and r 0.25 × 10⁻³. Can I write it as 2.5 × 10⁻⁴ का square? एकदम खतरनाक काम काज. 2.5 का square 6.25. आजा बेटा कर ले फटाफट. तो प्रेशर 4 और 8 = 12. यस, व्हाट इज द आंसर पीके? 0.254 × 10⁻½. एवरीबॉडी कंफर्म्स दिस. सो प्रेशर इज 2.54 × 10⁻¹ⁱ पास्कल. चेक द आंसर प्लीज. 2.54 into 10⁻¹ⁱ पास्कल. यस सर, करेक्ट है, येना परफेक्ट है. ओके, मैं करने जा रहा हूं 20 नंबर. ये छोटे छोटे होते हैं, कितना मस्त प्यारा प्यारा छोटा छोटा होता बात है कोई. ओके, नंबर 20, 9.20. अच्छा, टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल्स आर राइवेटेड टुगेदर. राइवेट मतलब स्क्रू मार देना, बराबर. आप दो मेटल प्लेट्स को एक साथ अटैच करते हो. ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है. मैं आपको दिखाऊं, ये एक प्लेट और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट, और इन दोनों को राइवेट मतलब यहां खिल्ला मार दिया, यहां खिल्ला मार दिया, यहां खिल्ला मार दिया, यहां खिल्ला मार दिया. ओके, बात समझ में आई? इसको कहते हैं राइवेट करना. Riveted together at the ends by 4 rivets, each of diameter 6 mm. भाई तो अरे यार कहां ब्लैक में लिख रहा हूं, डेटा रेड में. सो आर इज इक्वल टू 3 mm. व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रिवेटेड स्ट्रिप इफ द शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा इज नॉट टू एक्सीड 6.9 × 10⁷ पास्कल. अज्यूम दैट ईच रिवेट इज टू कैरी Each rivet carries 1/4 of the load. तो ये लोड को W का नाम दे देते हैं जी, बरोबर. Let total load be W. So load on each rivet कितना होगा जी? My God, too much. Now, maximum stress
सिग्मा इज एफ बाय ए एंड फोर्स कितना w बाय फोर एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर. भाई खेल खलास होने की तैयारी है, w मिल जाएगा और अपना टाइम आएगा. सिग्मा 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 6.9 इंटू 10 रेस टू 7 इंटू 4 इंटू 3.14 रेडियस 3 mm दैट्स 3 इंटू 10 रेस टू -3. चलो जी चलो रुको मत. 4 इंटू 3.14 नंबर दैट आई लव 12.56 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 रेस टू -6 7 -6 10 ये आंसर न्यूटन में आएगा. 12.56 इंटू 9 इंटू 6.9 7 9.97. क्या बात कर रही है, कुछ गड़बड़ है. सेवन सेवन नाइन मतलब करीबन 780 ना, मतलब 7800 न्यूटन है कि नहीं. हाँ मतलब ठीक है, पर आंसर कुछ अलग ही आ रहा है ना. नोट्स में देखो तो आंसर क्या है. रेडियस 3 mm तो एफ बाई ए फोर्स वेट बाई फोर कर दिया एंड पाई आर स्क्वायर बराबर है, फोर नीचे आ गया तो हाँ किस में. अरे हाँ देखा बराबर आ गया ना अपना परफेक्ट. पीछे हाँ पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है. सो वेट इज 7.8 किलो न्यूटन या 7.8 इंटू 10 रेस टू 3 न्यूटन. मैं भी वही सोचू सब सही किया फिर गलत कहाँ गया. बराबर पिछवाड़े में टेक्स्ट बुक के पिछवाड़े में आंसर चेंज कर दो वो गलत आंसर है. ओके आई थिंक हम यही रुकेंगे. काफी सारे न्यूमेरिकल किया आज. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को खत्म किया जाएगा जो भी कुछ बचे उचे न्यूमेरिकल है और शायद 10th चैप्टर को शायद शुरू कर पाए. तो टिल दैट टाइम यू प्रैक्टिस दीज सम्स और जो भी आइडियाज हमने आज किए उसको प्रैक्टिस कीजिए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. यू टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.